नवरत्न किचन में आपका स्वागत है। मैं रीना गुप्ता, आज मैं आपको आलू का चिप्स बना के बताएंगी। घर में कैसे बनाते हैं आलू का चिप्स, हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो मार्केट का जैसा तैसा तेल का बना होता है, तो हम लोग घर में खुद बना के अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं ये आलू का चिप्स। तो चलिए आगे बताते हैं कैसे बनाना है इसको। देखिए, ये आलू दो छिला हुआ है, इस तरह से आलू को छील लेना है और ऐसा कटर लेना है, चिप्स कटर, उसमें इस तरह से इसको दबा के काटते जाना है। देखिए इस तरह से कटा है शेप में, ना ही इसको ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा पतला काटना है। अगर पतला काट देंगे तो तलने समय जल जाएगा, और मोटा काटेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। तो देखिए इसको हम काट लिए हैं, और यहाँ इसको हम रात को काट के और रात में पानी में डुबो के रखे थे, क्योंकि बहुत सारा काटना होता है तो सुबह टाइम नहीं मिलता है। तो रात में आप काट के इस तरह से पानी में डुबो के रखिए, और सुबह बॉयल कीजिए और उसको फैलाइए। देखिए अब इसको हम पानी से निकाल लेते हैं। देखिए इसमें पानी मेरा बॉयल हो रहा है, और इसमें हम नमक डालेंगे, दो चम्मच नमक डाल देते हैं। इसमें नमक डालने से क्या होता है, बहुत कोई बाद में नमक देते हैं, इसमें नमक डालने से क्या होता है, आलू के अंदर इसमें नमक डालने से आलू के अंदर समा जाता है। इसको हम ढक देते हैं, ढक के 5 मिनट फुल फ्लेम में इसको 5 मिनट बॉईल करेंगे। देखिए अब ये देखते हैं, इसको चेक करते हैं हुआ है कि नहीं। देखिए इसको देखने का तरीका है, इसको ऐसे नाखून इसमें डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर नाखून आ जा रहा है तो समझिए कि ये हो गया है। अगर ज़्यादा बॉयल हो जाएगा तो भी टूट जाएगा ये, और कम भी नहीं करना है इसको, इसके अंदर ऐसे नाखून आ जाना चाहिए आराम से, तो समझिए कि हो गया है। अब इसको गैस ऑफ करते हैं, गैस ऑफ करके इसको निकालेंगे। देखिए अब इसको पानी से निकाल लेते हैं। इसको अगर आपको कलरफुल बनाना है तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी डालेंगे तो ये कलर पीला हो जाएगा, हम नहीं डाले हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे इसको कलरफुल बनाना तो हल्दी डालेंगे तो पीला कलर आ जाएगा, और बाजार वाला कलर जो फूड कलर होता है उसको कभी नहीं डालना चाहिए चीज़ में, क्योंकि उससे बीमारी होता है, बहुत भयंकर भयंकर बीमारी होता है उससे, तो फूड कलर डाल के नहीं बनाए। अब इसको हम निकाल लिए हैं, अब इसको धूप में चादर में फैलाएंगे। अब इसको हम फैला दिए हैं, चादर में फैला दे रहे हैं, और अभी सुबह का 10 बज रहा है, फिर 4 बजे आपको दिखाएंगे कि कैसा सूखता है। अभी बहुत कड़ा धूप है, एक ही दिन में सूख जाना चाहिए। देखिए चिप्स, आलू का चिप्स तैयार हो गया है, 10 बजे हम सुबह डाले थे, 4 बजे सूख के तैयार हो गया है, और
इसको हम तल के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ होली के पहले तलना मना रहता है, होली में ही तल सकते हैं, इसीलिए हम इसको तल के नहीं दिखा सकते हैं। और इसको साल भर के लिए अपना डब्बा में रख दीजिए, एक साल तक जब मन तब अच्छा से सुखा के डब्बा में डाल के रख दीजिए, जब मन करता है निकाल के इसको तल सकते हैं। देखिए इसका सूखा हुआ कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है, पूरा सूख गया है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।